नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आदर्श किसान मार्ट पर। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप मेरी गोल्ड का सीजनल जो वेराइटी है उसका अच्छे से सीड कैसे ग्रो कर सकते हो। हमारे पास में ये सकाटा कंपनी है जिसका है, तो हमारे पास दो वेराइटी है, एक येल्लो की हमारे पास में, एक है हमारे पास में ये ऑरेंज है, ऑरेंज वेराइटी है। दोनों वेराइटी है, दोनों का हम ये सीड लगा के और बताएंगे आपको कि कैसे ग्रो कर सकते हो। आप देख रहे होंगे ये हमने 4 दिन पहले इसमें सीड डाला था और इसका लगभग जर्मिनेशन आ चुका है, पर इसमें हमने आधा सीड बचा लिया था क्योंकि ये हाइब्रिड सीड है और काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो उस हिसाब से आप जब इसकी नर्सरी करो तो काफ़ी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से लगा सकते हो आप। इसमें 70-80% जर्मिनेशन आ जाता है अगर आप ज़मीन पे करोगे तो। और अगर आप इसे ट्रे में, आप देख रहे हो शिमला मिर्च की हमारे पास में ट्रे है और शिमला मिर्च हमने लगाई है, तो इस तरीके से आप लगाते हो तो इसका जर्मिनेशन आपको 90-95% और कई बार अगर सीड अच्छा होता है और ग्रोइंग मीडिया है वो आपका अच्छा रहेगा तो 100% आपको जर्मिनेशन मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो 4 दिन में हमारी जो पौध है उसकी ये दो कली है वो खिल के और स्टार्ट हो गई, कुछ जर्मिनेशन भी हो रहा है। ये आप देख रहे होंगे ये जर्मिनेशन अभी फिलहाल इसमें और हो रहा है, तो जैसे इसके पास में नमी सीड के पास पहुंचती है तो उसके हिसाब से ये ग्रो कर जाता है। तो जैसे ये कई सीड है वो ओपन अगर पड़े हैं तो इसके ऊपर आप कोकोपीट या फिर मिट्टी डाल सकते हो और फिर पानी दोगे तो ये वापस जर्मिनेट कर जाएगा। तो सर्वप्रथम आपको मिट्टी का जो सिलेक्शन करना है वो दोमट मिट्टी आप इसमें लें और उसके बाद में ये नेट ऊपर लगाया हुआ है हमारा, आप देख सकते हो ये 50% हमने इसमें नेट लगा रखा है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभी हीट है और उमस भी है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो इस जगह का आप ऐसी जगह हो तो उसका चयन करें। और उसके बाद में जो अब ये ज़मीन हमारे पास में पड़ी है इसके अंदर आपको लगा के हम बताएंगे कि किस तरीके से आप ग्रो करेंगे। तो ये मिट्टी अभी सख्त हो गई है तो फावड़े की सहायता से हम इसे भुरभुरी करेंगे और उसके बाद में लगाने का जो तरीका है वो मैं बताऊँगा आपको। इस तरीके से आपको इसमें अच्छे से गोजी करनी है फावड़े की सहायता से और उसके बाद में हम सीड डालेंगे। तो इसमें क्या हमारे को ट्रे वगैरह की ज़रूरत नहीं होती और आराम से कर सकते हैं। जो भी किसान भाई है उनके पास सारी सुख सुविधा ही नहीं हो तो ये आप इसे करके और लगा सकते हो। ये जो कुछ डगल वगैरह हुए हैं इनको तोड़ देंगे हम हाथ की सहायता से और अब इसमें हम सीड लगाएंगे, वो तरीका आपको बताऊँगा मैं। आप इसमें सीड को फेंक भी सकते हो और फिर एक बार इसमें ऐसे हाथ करना पड़ेगा या फिर आप एक ऐसे नली बना के, इस तरीके से नली बना के भी आप सीड को डाल सकते हो जिससे कि जर्मिनेशन ठीक आएगा। तो हमने इसको फेंक के ही पहले लगाया था। ये ज़मीन हमने अच्छे से तैयार कर ली है और ये काली मिट्टी है हमारे पास में और इसमें जो सीड है वो जो ऑरेंज है, ऑरेंज कलर का है, वही हम इसमें वापस से डालेंगे क्योंकि हमारे पास ये बच गया था एक बार जर्मिनेशन देखने के हिसाब से। अभी ये अच्छे जर्मिनेशन हो चुका है तो अच्छी क्वालिटी का सीड है ये और इस तरीके से हम डाल रहे हैं इसमें और एक बार थोड़ा हल्का हाथ से मैं इसमें ऊपर ऊपर हिला देता हूँ जिससे कि ये मिट्टी इसके ऊपर आ जाए सीड के और कहीं नहीं आएगी। तो उसके लिए अभी मैं ये कोकोपीट लेके आया हूँ, ये कोकोपीट इस पर डाल देंगे। आप मिट्टी डाल सकते हो अगर कोकोपीट की व्यवस्था आपके पास भी नहीं हो। कई किसान भाई है जो देहात में गांव में रहते हैं तो उनके पास भी कोकोपीट की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो आप ये ना सोचे कि कोकोपीट हमारे पास तो है ही नहीं तो जर्मिनेशन नहीं होगा, नहीं अच्छे से होगा। आप इसमें बजरी ले सकते हो या फिर जो आपके पास में बलुई मिट्टी, वैसे रेतीली मिट्टी हो वो बजरी ये यूज कर सकते हो। ये देखो ये जितना भी सीड था उसके ऊपर मैंने कोकोपीट डाल दिया है। इस तरीके से आप अच्छे से नर्सरी तैयार कर सकते हो और सीजनल के लिए आपके जैसे गार्डन हो गया या फिर आप किसी कॉमर्शियली करना चाहते हो आपकी नर्सरी हो तो इस तरीके से आप करोगे तो जर्मिनेशन भी आपके अच्छा आएगा। अब मैं इसमें पानी दे देता हूँ और ये दीपावली के आसपास से इसके अंदर फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाएगी जो कि काफ़ी अच्छे भाव देगी आपको। और ये सीड आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, हमारी वेबसाइट है डेकोरिन के नाम से, आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। तो आपको ये ओरिजिनल सीड मिलेगा, आप दोनों कलर में ले सकते हो। इस तरीके से इसमें पानी देना है और इसी हिसाब से ये जो हमारे पास में येलो वाला है ये भी मैं आपके सामने ये देख सकते हो सकाटा कंपनी का है, ये मैंने निकाल लिया है और ये देखो इसमें ये सीड है, 1000 सीड इसमें आते हैं, 1.5 रुपये के हिसाब से ये हमारे पास में आए हैं। तो ये देख सकते हो आप काफ़ी अच्छी और हेल्दी इसमें सीड है।
ये आप देख सकते हो। अभी हम इसमें ग्रो करेंगे, तो इसके लिए अभी दूसरी कैरी बनाएंगे और उसमें हम इसे डालेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं जो आपको मैंने जानकारी दी उससे आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा, और अगर आप किचन गार्डनिंग से संबंधित या खेत में फ्लोरिंग की अभी सीडलिंग तैयार करना चाहते हो, नर्सरी तैयार करना चाहते हो, तो उससे संबंधित वीडियो मैंने आपको बता दिया है। और अभी सितंबर का, अगस्त सितंबर का महीना चल रहा है, इस टाइम पे सभी जो वेजिटेबल नर्सरियां होती हैं अभी मैक्सिमम तैयार की जाती है, जिसमें टमाटर है, बैंगन है, मिर्ची है, और आप देख रहे होंगे हमारे पास में भी ये हमने पौध नर्सरी तैयार की है, और ये सेपरेट वीडियो में बना के डालूंगा क्योंकि अभी बिजनेस पर्पज से काफ़ी व्यस्तता रही, क्योंकि नर्सरी का जो बिजनेस है वो जुलाई अगस्त से सितंबर महीने में काफ़ी चरम सीमा पर रहता है, तो इस वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि ये टाइम होता है, इस टाइम पे आप कटिंग भी लगा सकते हो, इस टाइम पे आप सीडलिंग लगा सकते हो। तो अभी हमारी जो ये आप नर्सरी देख रहे हो, टमाटर की, मिर्ची की, बैंगन की, ब्रोकली की, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सारी जो वेराइटियाँ हैं उनकी हमने नर्सरी तैयार की है, और ये काफ़ी अच्छा हमारे जर्मिनेशन भी है इसमें। तो आपको एक एक स्टेप बाई स्टेप में एक दो दिन से जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा वो सीडलिंग आपको बताऊंगा, और किस तरीके से आप घरों घर पे भी कर सकते हो बिना किसी झंझट के और काफ़ी कम दाम पे। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे वीडियो पे बने रहें।